बाइक चलाने का धुन में भूल ही गया कि पेट्रोल डलवाना है। एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दिया, मतलब एकदम से ये राइड करने में जितना भी पैसा लगा ना सारा वसूल हो गया देख के मौसम। आप लोग मानो या ना मानो लेकिन व्यू देखने में बहुत जबरदस्त है, बहुत मजा आ रहा है देखने में। सो गाइस गुड मॉर्निंग, टाइम अभी 11:30 हो चुका है और 12 बजे तक मेरा निकलने का प्लान है सिलीगुड़ी के लिए। अभी देखो मेरा गोप्रो का एक्चुअली बैटरी खत्म हो गया, उसके वजह से 2 वीडियो आया ही नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। और बैटरी मंगाया हूँ लेकिन बैटरी अभी डिलीवरी नहीं कर रहा है सिलीगुड़ी में। अगर आपको कोई जान पहचान में सिलीगुड़ी में अगर कोई गोप्रो का बैटरी वगैरह बिक्री करता है तो प्लीज थोड़ा सा कॉन्टेक्ट करवा दो यार, गोप्रो का बैटरी नहीं चल रहा। देखो तो इस तरह मैं अपना गोप्रो को चला रहा हूँ, देख रहे हो पावर बैंक लगा के, और इसमें इसको लगाने के बाद ना माइक कनेक्शन नहीं होता है, इसको लगाने के बाद माइक कनेक्शन नहीं होगा, उसके वजह से माइक में भी मोटो व्लॉगिंग में थोड़ा सा माइक में डिस्टर्ब होगा, नहीं तो बाकी सब बढ़िया है। सो हेलो नमस्ते राम राम, कैसे होप करता हूँ आप सब मेरी तरह बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। फिलहाल रूम का हालत तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, किस तरह कचड़ा बना के रखा हूँ मैं। बॉयज रूम लड़के लोग समझ सकते हैं जो बाहर रहते हैं या फिर अकेले रहते हैं। तो फिलहाल अभी तो इसको ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकता क्योंकि ये घर में कोई रहता नहीं है, मम्मी सब कोई तो बाहर ही है सिलीगुड़ी में, तो सबको ठीक कर देता हूँ। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करो क्योंकि ये भी फिर 160 किलोमीटर का राइड होने वाला है, मजा आएगा आपको, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करूंगा आप सबके लिए। फिलहाल तो आप टाइमलेस में एंजॉय करो, ये जितना है रूम इसको क्लियर करता हूँ। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, नहाया नहीं हूँ, वहाँ पे जाके नहाने वाला हूँ इसलिए नहाया नहीं हूँ। फिलहाल सब चीज एकदम पैक्ड हो गया, टब वगैरह सब कुछ यहाँ से हटा दिया हूँ और सब कुछ इसमें आ गया। इतना छोटा सा बैग में मेरे यहाँ पे कपड़े लगते जितने थे सब इसमें आ गया एक छोटा सा बैग में, क्योंकि जितने भी कपड़े लाता हूँ ना सब रोल करके फोल्ड करके तब इसमें डालता हूँ, उसके वजह से छोटा बैग में ज्यादा सामान जाता है। तो फिलहाल बिना कोई देरी, टाइम दिख रहा है 12 बज चुका है, बिना कोई देरी किए निकलता हूँ, मिलता हूँ सीधा ऑन द बाइक। वैसे जयगांव में मौसम का हाल तो कुछ अच्छा ही दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बारिश भी हो सकता है। जयगांव में ना ऐसा है कि धूप होने से बारिश भी आ जाता है जल्दी, तो उसके वजह से मेरे को ये लग रहा है कि हाँसीमारा क्रॉस करने के बाद मौसम कहीं चेंज हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है, जो होगा आपको मालूम तो चल ही जाएगा। कोई नहीं, फिलहाल तो अभी घर से ही निकला हूँ, बस थोड़ा दूर आया हूँ, थोड़ी दूर क्या बहुत कम दूर आया हूँ, देखते हैं रास्ते में और क्या क्या देखने मिलता है, आप लोगों को क्या क्या दिखाने मिलता है, जो भी होगा आपको अप टू डेट किया जाएगा। तो अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धीरे चला के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा माइक कनेक्शन नहीं है, क्योंकि चार्ज में लगा के रखा हूँ, पावर बैंक से कनेक्टेड है, बैटरी खराब हो चुका है उसकी वजह से। काला बादल तो देख के यही लग रहा है कि जयगांव में बहुत भयानक बारिश होगा। वैसे 2-3 दिन 4 दिन से डेली सुबह सुबह बारिश ही होता है, 10-11 बजे थोड़ा बहुत ख़त्म होता है फिर स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा डेली चल रहा था। अभी भी देख लो मौसम किस तरह उधर दिख रहा है, वो सब जगहों का एरिया है, और इस साइड देख रहे हो बादल बादल है ही नहीं। अपने को सही दिशा में जाना है तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोग सही दिशा में है, सो फार सो वेरी गुड, मज़ा आ रहा है। ये जितना चाय पत्ती का बगान है ना देखने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन एक चीज़ का कमी है, चाय बगान का अंदर में बाइक ले जाओ उसके बाद ड्रोन उड़ाओ ना तो और ज़्यादा जबरदस्त शॉट आएगा। कभी ना कभी होगा अपने पास भी, कभी ना कभी देखो कब ड्रीम कब सपना पूरा होता है। बाइक चलाने का धुन में भूल ही गया कि पेट्रोल डलवाना है, ये पेट्रोल मेरे को हाँसीमारा में डलवाना होता है लेकिन मैं भूल ही गया। अभी देखो भीड़ पड़ा आगे भी पेट्रोल का याद आ रहा है पेट्रोल पंप देखने के बाद, अच्छा हुआ आ गया नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता। 605 यहाँ पे 97 है, मैं हाँसीमारा में एनी टाइम पेट्रोल डलवा लेता हूँ
लेकिन इस बार रास्ता का धुन में पता ही नहीं चला हाँसी मारा कब क्रॉस किया। कोई नहीं, पेट्रोल तो हो गया, अपना जो काम था वो काम हो गया। लेकिन यहाँ पे भी काला बादल दिख रहा है, लेकिन भाई साहब पीछे में बहुत भयानक ही धूप था, बहुत भयानक गर्मी लग रहा था। अभी तो भीड़भाड़ ही पहुंचा हो, लेकिन सिलीगुड़ी भी ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है अभी सिलीगुड़ी। कोई नहीं, आराम से चलते चलते पहुंचे ना जाएंगे भैया, आराम से पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन भाई एक चीज तो है, ये जंगलों के बीच में गाड़ी चलाने का मजा ही अलग है। चाहे जो भी बोलो, जो चलाए हैं ना वही मेरी बात को फील कर सकते हैं, और नहीं चलाए हैं तो समझो फील करो। मतलब दोनों तरफ वादियां और बीच में रोड, हो मस्त मस्त मजा आएगा। लेकिन पहुंचाऊं तेलीपाड़ा मोड़, और टाइम 1 बजने वाला है, 2 मिनट बचा है। 1 घंटे से भी कम समय लगा तेलीपाड़ा मोड़ पहुंचने में, क्योंकि बैग वैग पैक करते करते 12 बज के कुछ मिनट हो गया था। सो फार बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन धूप है यहाँ पे, बहुत कड़वा धूप है। जयगांव में बारिश जैसा मौसम था, यहाँ पे धूप है। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन व्यू देखने में बहुत जबरदस्त है, बहुत मजा आ रहा है देखने में। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो आप लोग व्यू कैसा दिख रहा है। मेरे को वहाँ पे माउंटेन दिख रहा है, पता नहीं गोप्रो उतना दिखा पा रहा है कि नहीं, बट वहाँ पे जो माउंटेन दिख रहा है ना वो काफी सही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये रोड जो है ना सीधा माउंटेन में जाके खत्म होगा। ओ भाई साहब बहुत जबरदस्त, ऑसम। आप लोग को पता नहीं कैसा लग रहा है, बट मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है व्यू देखने में। ओहो हो, इस साइड भी पूरा जंगल ही जंगल है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, चाय बगान और जंगल है। ओ भाई अभी देखो कैसा दिख रहा है, ओ भाई ओ मजा आ रहा है, बहुत जबरदस्त व्यू है। मैं एक्चुअली हमेशा से ना ऐसे ही रोड में चलाना चाहता हूँ, दोनों तरफ से जंगल हो, दोनों तरफ से वादियां ही वादियां और बीच में रोड। भाई साहब ऐसा नजारा कोई मिस कर सकता है क्या? मैं जब भी इस रोड से जाता हूँ ना बहुत ही आराम से ऐसे ही चला के जाता हूँ, क्योंकि देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अभी सभी का अलग अलग चॉइस है, तो मैं सबका बारे में तो नहीं बता सकता, बट मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है। बहुत ज्यादा शांति है यहाँ पे। ओह भाई साहब सुनो थोड़ा देर, देख लिया कितना शांति है। ऐसे ही जगह में था ना, कभी कभी मन करता है कि ऐसे ही जगह में रह जाओ कुछ देर के लिए, उसलिए यहाँ पे रुक गया। यहाँ पे बाइक देखो काफी जबरदस्त लग रहा है, बाइक भी। पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं है, और ये रोड हमेशा खाली रहता है। मतलब अगर सिलीगुड़ी से जयगांव जाता हो या फिर जयगांव से सिलीगुड़ी जाने से सब लोग यही रोड प्रीफर करता है, क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस खाली भी रहता है, उसके वजह से मैं भी इसी रोड से आता हूँ, इसी रोड से जाता हूँ। चलो बिना किसी देरी किए, यहाँ पे रुकने से मतलब नहीं है, टाइम ख़त्म हो जाएगा, 3 बजे तक ही टाइम है फिलहाल। अभी टाइम 1:26 हो चुका है, और 1.5 घंटा है अपने पास। 1.5 घंटे में अपने को जैसे भी सिलीगुड़ी पहुँचना है पहुँच जाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम ही से आ रहा हूँ। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नक्सलबाड़ी, और सिलीगुड़ी मोड़ यहां से 72 किलोमीटर अभी और है सिलीगुड़ी, मतलब लगभग 1.5 घंटा का और सफर है अगर आराम से चले तो। थोड़ा मजे से देख लेता हूं, पता नहीं दोबारा कब मिलेगा आने जाने, क्योंकि अभी फिर सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन फिर बढ़ेगा। ओहो ये पूरा नदी देखो कितना क्लीन नदी दिख रहा है, वो भाई साहब नजारा बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और दो साइड से नदी जाके एक में मिल रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। फिलहाल ये ब्रिज पे हूँ नागरा नक्सलबाड़ी का,
हो, व्यू देख रहे हो? व्यू आपको दिख रहा है? कितना मस्त व्यू है भाई साहब। यहाँ नहीं, वहाँ देखो, वहाँ वो जंगलों में देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है। ओह हो, इस साइड में कैंपिंग वगैरह करने में, पिकनिक वगैरह करने में काफ़ी सही लगेगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा वो हरियालियों में। मतलब दो साइड से जो नदी है, बीच में जो जगह दिख रहा है, इसमें बहुत मज़ा आएगा। कब होगा? कोई नहीं, चलो भाई यहाँ से निकलता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं उदलाबाड़ी, और देख रहे हो मौसम चेंज एकदम से, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दिया। मतलब एकदम से बारिश आ रहा है, हल्का हल्का बारिश आ रहा है। मालूम है कैमरा में ना उतना मालूम नहीं चलेगा आपको, बट बारिश तो आ रहा है। ऐसा देखने में लग रहा है कि आगे में बारिश भयंकर हो रहा है। एक्चुअली सेवोक साइड में ना बारिश कुछ ज्यादा ही होता है। मैंने व्हाइट शू पहना है, व्हाइट शू का थकिया उड़ जाएगा मेरा। बादल तो आपको दिख ही रहे, काला बादल छाया हुआ है, मतलब बहुत खतरनाक लग रहा है। अभी फिलहाल टोटल में 130 किलोमीटर कम्प्लीट हो गया है और 40-45 किलोमीटर बचा है, हो जाएगा। सो फार सो वेरी गुड। लुक हियर एंड देन लुक हियर, मौसम में बदलाव। एक्चुअली इधर तो जाने में ही डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है कि बारिश आ जाएगा और कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, ये दुख क्या खत्म नहीं होता पे। बहुत रोमांटिक मौसम लग रहा है। ओहो ओहो, रोड देखो कितना मस्त दिख रहा है। पैसा वसूल राइड हो गया आज तो। ये राइड करने में जितना भी पैसा लगा ना, सारा वसूल हो गया देख के। मौसम मौसम, उसके बाद व्यू, नज़ारे, ये सब देखने का मज़ा ही अलग है। तुम्ही लोग का राज है यार, थोड़ा प्यार से चलते हैं, धीरे धीरे मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं, आप भी उठाओ मेरे साथ साथ। बारिश का मौसम में ना गाछ ट्री ये सब ना और ज़्यादा हरा भरा दिखता है, काफ़ी मज़ा आता है देखने में। आई नो सभी को मज़ा आता होगा, बताओ मेरे को मज़ा आता है कि नहीं। मेरे को देखो कितना मज़ा आ रहा है भाई, तो जला रहा है सबको। अरे नहीं यार, आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप ही लोग के लिए तो दिखा रहा हूँ। तारीफ कम नहीं पड़ रहा है मेरे को, मेरे पास शब्द अल्फाज कुछ नहीं है बोलने के लिए भाई। जो इतना मजा आ रहा है ना देखने में, मेरे को मालूम नहीं गोप्रो किस तरह आप लोगों को दिखा रहा होगा, बट आई होप जो भी दिखा रहा होगा अच्छा दिखा रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा देखने में। चलो अभी ज्यादा समय नहीं है अपने पास, निकलता हूँ। और चश्मा इसलिए लगा लिया हूँ क्योंकि भाई साहब आंखों में थकावट है, धूल है, मिट्टी है, उसकी वजह से मैं चश्मा लगाया हूँ। वैसे थका नहीं हूँ लेकिन गंदा वंदा बहुत घुसा हुआ है, उसलिए वजह से मैं चश्मा लगा हुआ हूँ। मज़ा आ गया, सो फार सो वेरी गुड, बहुत मज़ा आया, पैसा वसूल राइड हो गया मेरा आज। वैसे यहाँ से सेवक और लगभग 7 किलोमीटर है, और फिलहाल अभी टाइम 2:20, निकलते हैं यार। देखो फेमस कोरोनेशन ब्रिज, काफी सही लगता है यहाँ से ये देखो। कैसा लग रहा है बताओ कमेंट सेक्शन, रुक नहीं सकता हूँ। और ये हम लोग आ गए कोरोनेशन ब्रिज के ऊपर।
ये जो दिख रहा है जय माता दी, ये काली मंदिर है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे काली मंदिर। तो इसका भी वीडियो व्लॉग बनाया हूँ, अंदर में कैसा है और व्लॉग कैसा है आप मतलब आप जाके देख सकते हो वीडियो में। मैं डिस्क्रिप्शन में सेवक काली, ये काली मंदिर का इसका नाम होगा सेवक काली मंदिर, तो आप लिंक दे दूँगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी सही वीडियो था, वो भी बहुत मस्त वीडियो है। ओ भाई साहब बहुत मज़े का वीडियो है, आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लीज़ चेकआउट करना वो वीडियो, बहुत अच्छा बनाया है। और 20-25 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से सिलीगुड़ी, पहुँचता हूँ सिलीगुड़ी तो मिलता हूँ आपसे, कुछ दिखाने लायक होता है तो दिखाता हूँ, नहीं तो सीधा घर पे। ठीक है, मिलते हैं एक सेकेंड का ट्रांजेक्शन पे। सो गाइस 3 बजे करीब मैं पहुंच गया था, अभी 3:27 हो रहा है, मस्त फ्रेश फ्रेश हो चुका हूं। और सबसे ज्यादा तो खुश मेरा स्नो हुआ है, मेरे को देखते देखते मतलब पूरा शरीर पे छरने लगा, मेरे को काटने लगा कि मेरे को छोड़ के इतना दिन कहाँ चला गया था, उसकी वजह से वो थोड़ा ज्यादा स्नो इधर इसको गाजर दे दो ना, गाजर मिर्ची खा लिया, गाजर दे दो तोड़ के, मिर्ची खा लिया, फ्रिज खोला था तो मिर्ची खा लिया। फिलहाल अभी घर पे पहुंचते पहुंचते मिल गया है मेरे को चिकन और पराठा। भाई साहब उसके रास्ते में मैं कहीं रुका नहीं और कुछ खाया भी नहीं, तो फिलहाल अभी चिकन पराठा मस्त इंजॉय करता हूँ। आप लोगों को होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट सेज दिस इज बीवी ब्लॉग साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत, बाय बाय। मजे में आएगा खाने, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, ओहो हो, बाय बाय।